बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएससी फिजिक्स लेक्चर 10 हम स्टार्ट करने लगे। हमारा आज टॉपिक है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये उसी से कनेक्टेड है जो पिछले टॉपिक में हमने स्टार्ट किया था। इंटरनल एनर्जी की हमने डेफिनेशन की थी। इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन करने के बाद तो हमने वो लेक्चर ख़त्म किया था, तो वहीं से आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी। देखिए, द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस चेंज ड्यू टू वर्क ऑन इट, यानी आइडियल गैस आपके पास हो तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, ठीक है, किसकी वजह से, वर्क की वजह से। अब वर्क दोनों सूरत में हो सकता है, एक तो अगर एनवायरनमेंट वर्क करे ऑन द गैस, या जो गैस है वो वर्क डन करे ऑन द एनवायरनमेंट। दोनों सूरतों में वर्क डन होगा और दोनों सूरत में उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। लेकिन लेट्स, हमने ले लिए सपोज द गैस इन अ सिलेंडर इज आइसोलेटेड फ्रॉम द थर्मल रिजर्वायर। हमने गैस ले ली है जो कि सिलेंडर में है और आइसोलेटेड है फ्रॉम थर्मल रिजर्वायर, यानी थर्मल रिजर्वायर उसमें हीट इन और आउट नहीं हो सकती। वो बेसिकली हमने उसे, ठीक है, आइसोलेट कर दिए थर्मल रिजर्वायर से। लेट द एनवायरनमेंट डू वर्क W ऑन द गैस, और हम लेट करते हैं कि जो एनवायरनमेंट है वो W वर्क डन करता है ऑन द गैस। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल वर्क डन, इसे हमने इक्वेशन 1 असाइन कर दी है। यानी कोई भी आपके पास सिस्टम है, उस सिस्टम में अगर उस सिस्टम को आप बाहर से हीट रिजर्वायर से या थर्मल रिजर्वायर से डिसकनेक्ट कर देते हैं, तो जब आप उसके ऊपर वर्डन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो वर्डन बेसिकली चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हो जाएगा। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें यही कहता है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो जब आप वो वर्डन करेंगे तो वो वर्डन बेसिकली, क्योंकि हीट सिस्टम से इन और आउट तो हो नहीं सकती, ठीक है, आपने उसे डिसकनेक्ट कर दिया थर्मल रिजर्वायर से, तो इसका मतलब है जो आप वर्डन करेंगे वो बेसिकली एनर्जी कहाँ पे जाएगी, उसकी इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम में जाएगी। इसलिए जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है ये बेसिकली क्या होती है, इस वर्डन होती है, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन 1 क्या कर दिया, असाइन कर दिया। अब हम सपोज करते हैं, सपोज द एनवायरनमेंट डज वर्क ऑन द गैस, यानी हम ये सपोज करते हैं कि एनवायरनमेंट डज वर्क ऑन द गैस, सो दैट W इज पॉजिटिव, इट देन फॉलो दैट चेंज इन इंटरनल एनर्जी मस्ट बी पॉजिटिव एंड अबव इक्वेशन कैन बी रिटन इन। यानी हम ये सपोज करते हैं जो एनवायरनमेंट है वो डज वर्क कर रहा है किसके ऊपर, गैस के ऊपर, तो W क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी हम ये ले रहे हैं कि जो VF है वो लेस देन VI है। पिछले आपने सारे केसेस में डिस्कस किया हुआ है VF इज लेस देन VI, या आपने ये भी डिस्कस किया हुआ है VF इज ग्रेटर देन VI। तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं VF इज लेस देन VI, तो फिर हम ये कहते हैं सो डैट W इज पॉजिटिव, इट देन फॉलो डैट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी मस्ट बी पॉजिटिव, क्योंकि वर्डन किसकी इक्वल है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की। अगर वर्डन पॉजिटिव है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी पॉजिटिव है, जैसा कि हमने इक्वेशन में पढ़ा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज वर्क डन। अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी पॉजिटिव है, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3/2 nr डेल्टा टी। क्योंकि आपने, आपको याद हो तो जो आपने पिछला लेक्चर था उसमें इंटरनल एनर्जी की जो हमने डेफिनेशन की थी, ठीक है, वो थी इंटरनल एनर्जी इज इक्वल 3/2 nr t। अब क्योंकि यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात हो रही है तो इसलिए साथ डेल्टा आ रहा है, तो टेम्परेचर के साथ भी क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी बेसिकली टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो जितना चेंज इन टेम्परेचर होगा उसी हिसाब से इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी, तो सो डैट द चेंज इन टेम्परेचर इज आल्सो पॉजिटिव। इसका ये मतलब हुआ कि जो चेंज इन टेम्परेचर है वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तब भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या है, पॉजिटिव है। अब हम लेट करते हैं कि इफ द पिस्टन मूव अपवर्ड, यानी पिस्टन अगर ऊपर की तरफ मूव करता है, द एनवायरनमेंट डज नेगेटिव वर्क ऑन द गैस। तो अब एनवायरनमेंट क्या करेगी,
बेसिकली नेगेटिव वर्क करेगी ऑन द गैस. तो इक्वेशन वन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज नेगेटिव एंड अकॉर्डिंग टू इक्वेशन टू द चेंज इन टेम्परेचर इज ऑल्सो नेगेटिव. यानी अब पिस्टन मूव अपवर्ड करता है, ठीक है, तो उसका क्योंकि थर्मल रिजर्वायर से तो वो डिसकनेक्ट हो चुका है. अब पिस्टन जब अपवर्ड मूव करता है तो बेसिकली जो उसकी इंटरनल एनर्जी है वही कन्वर्ट हो रही है वर्क डन में. तो इसका मतलब है सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो डेल्टा टी नेगेटिव हो जाएगा. डेल्टा टी नेगेटिव होगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव होगी. तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होगी तो वर्क डन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा. जिसको हम ये कहेंगे कि इफ द पिस्टन मूव अपवर्ड द एनवायरमेंट डज नेगेटिव वर्क ऑन द गैस एंड बाई इक्वेशन वन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज नेगेटिव अकॉर्डिंग टू इक्वेशन टू द चेंज इन टेम्परेचर इज ऑल्सो नेगेटिव. तो ये बेसिकली हमने इसको कंक्लूड कर देते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी बेसिकली क्या होती है, वर्क डन होता है, ठीक है. और अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी कब पॉजिटिव होगी, ठीक है, इक्वेशन टू के मुताबिक जब चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, पॉजिटिव होगा. और अगर चेंज इन टेम्परेचर नेगेटिव होगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी. और इक्वेशन वन के मुताबिक, ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव, वर्क डन पॉजिटिव होगा. चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. तो ये हमने डिस्कस कर लिया चेंज इंटरनल एनर्जी के लिहाज से. अब आगे हम चलते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ दी डायटॉमिक गैस. क्योंकि जो हम पहले इंटरनल एनर्जी डिस्कस कर रहे थे वो सिर्फ पॉइंट पार्टिकल्स के लिहाज से डिस्कस कर रहे थे, जो कि हमने आइडियल गैस थ्योरी में पढ़ा था. लेकिन अब हम चलते हैं डायटॉमिक गैस की तरफ. यानी हम सपोज करते हैं कि जो मॉलिक्यूल ऑफ गैस है, ठीक है, उसमें दो एटम्स, टू पॉइंट पार्टिकल्स मौजूद हैं जो सेपरेटेड बाय अ गिवन डिस्टेंस. यानी हम क्या लेते हैं कि इन केस ऑफ डायटॉमिक मॉलिक्यूल गैस, लेट इट कंसिडर एज द टू पॉइंट पार्टिकल सेपरेटेड बाय अ गिवन डिस्टेंस. सच अ मॉलिक्यूल्स कैन एक्वायर काइनेटिक एनर्जी बाय रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, एंड देयरफॉर द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कंट्रीब्यूशन टू द इंटरनल एनर्जी. यानी हम ये ले रहे हैं कि देखें, पहले सिंगल वन पॉइंट पार्टिकल था, तो सिंगल वन पॉइंट पार्टिकल में सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी थी जो हमने डिफाइन किया था, ठीक है. तो अब क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये डायटॉमिक गैस है, इसमें टू पॉइंट्स पार्टिकल हैं और सेपरेटेड हैं, तो जहरी बात है इनकी रोटेशन होगी अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, तो जिसकी वजह से इसमें मज़ीद दो टर्म्स आ जाएंगी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी. ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो गैस मॉलिक्यूल की होगी होगी, जैसे कि आपको ये पहली इक्वेशन में नज़र आ रहा है. काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल इज इक्वल हाफ एम वी एक्स स्क्र प्लस हाफ एम वी वाई स्क्र प्लस हाफ एम वी जेड स्क्र, ये तो होगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. लेकिन क्योंकि अब टू पॉइंट्स पार्टिकल हैं तो उनकी रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास है, तो उसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल भी आ जाएगी जो आपको इक्वेशन टू में नज़र आ रही है. काइनेटिक रोटेशनल एनर्जी इज इक्वल हाफ आई ओमेगा एक्स स्क्र प्लस हाफ आई ओमेगा वाई स्क्र. आपने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पढ़ी हुई है, वो किसकी इक्वल होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्र. तो क्योंकि इसमें आप कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं तो इसमें ये एक्स और वाई एक्सिस के लिहाज से उसकी क्या आ जाएगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी. वेयर आई इज द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द मॉलिक्यूल फॉर अ रोटेशन अबाउट अ पर्टिकुलर एक्सिस. तो आप जानते हैं कि आई बेसिकली क्या होता है, रोटेशनल इनर्शिया होता है अबाउट अ पर्टिकुलर एक्सिस. द एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम इज फिक्स टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल. यानी एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये फिक्स होता है किसके लिहाज से, सेंटर ऑफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल. फॉर पॉइंट मैसेज देर इज नो काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस बिकॉज आई जेड इज इक्वल जीरो. तो आप देख सकते हैं कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में सिर्फ एक्स और वाई के लिहाज से टर्म में, जेड के लिहाज से टर्म नहीं है. तो बेसिकली ये क्यों नहीं है, क्योंकि पॉइंट मैसेज देर इज नो काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस. यानी अगर उसकी रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस है तो जहरी बात है उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अबाउट जेड एक्सिस जीरो हो जाएगी.
इसलिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में सिर्फ दो ही टर्म्स आ जाएंगी, एक एक्स एक्सिस के लिहाज से और एक वाई एक्सिस के लिहाज से। अब हम लिखना चाहते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल क्या आ जाएगी, इज द सम ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल पार्ट। तो देखें टोटल जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, पहली तीन टर्म्स ट्रांसलेशनल के लिहाज से, हाफ एम वी एक्स स्क्र प्लस हाफ एम वी वाई स्क्र प्लस हाफ एम वी जेड स्क्र, और आखिरी जो दो टर्म्स हैं ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिहाज से आ गई हैं। अब फर्ज करें टू फाइंड द टोटल एनर्जी ऑफ द गैस, हम टोटल एनर्जी ऑफ द गैस निकालना चाहते हैं, तो इसमें एक बहुत सिंपल वे है कि एवरेज एनर्जी पर मालिक्यूल एंड देन मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ मालिक्यूल। आप एवरेज एनर्जी पर मालिक्यूल निकालें और उससे मल्टीप्लाई कर दें कि जितने टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल है, यानी फर्ज करें एन नंबर ऑफ मालिक्यूल है, तो आप उससे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास बेसिकली क्या आ जाएगी, टोटल एनर्जी ऑफ द गैस आ जाएगी। ठीक है, तो पहले हमने इसमें हमने डिस्कस कर लिया कि अगर डाई एटॉमिक गैस है, ठीक है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी। मोनो एटॉमिक होती तो फिर सिंपल ये पहली वाली इक्वेशन आ जाती, क्योंकि उसमें रोटेशन नहीं होता, उसमें सिर्फ क्योंकि वन पॉइंट पार्टिकल होता है, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी उसमें आ जाती है, हाफ एम वी एस वी एक्स स्क्र प्लस हाफ एम वी वाई स्क्र प्लस हाफ एम वी जेड स्क्र। लेकिन डाई एटॉमिक में क्या आ जाती है, रोटेशन भी आ जाती है, इसलिए फिर ये दूसरी इक्वेशन भी इसके अंदर आ जाएगी। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया किसके लिहाज से, इंटरनल एनर्जी ऑफ डायटॉमिक के लिहाज से। पहले हमने चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिस्कस किया, फिर हमने इसमें डिस्कस कर लिया कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द डायटॉमिक गैस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है इंटरनल एनर्जी कैलकुलेशन बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये बेसिकली इंटरनल एनर्जी एक ही टॉपिक था, तो लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए इसे थोड़ा से पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यानी आप इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं बाय यूजिंग द थ्योरम ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये थ्योरम क्या कहता है, ये थ्योरम ये कहता है अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, द एवरेज एनर्जी ऑफ मालिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज सेम इज इक्वल टू द हाफ के बी टी। यानी ये थ्योरम ये कहता है कि जो एवरेज एनर्जी ऑफ मालिक्यूल है पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिहाज से, वो सेम होती है और इक्वल होती है हाफ के बी टी के इक्वल होती है। यानी हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिहाज से जो इसकी एनर्जी होगी एवरेज, वो क्या होगी, हाफ के बी टी होगी। अब द एवरेज इंटरनल एनर्जी पर मालिक्यूल इज गिवन बाय, यानी एक मालिक्यूल की टोटल फिर एनर्जी क्या हो जाएगी, तो एक मालिक्यूल की जो टोटल एनर्जी हो जाएगी वो बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो उस मालिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, हाफ के बी टी के साथ, तो ये आपके पास एवरेज इंटरनल एनर्जी पर मालिक्यूल आ जाएगी। तो टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ एन मालिक्यूल क्या आ जाएगी, यानी पूरी गैस की, तो आप इसी चीज़ को किस से मल्टीप्लाई कर देंगे, एन के साथ। देखें जो लास्ट इक्वेशन है, एन मल्टीप्लाई डिग्री ऑफ फ्रीडम मल्टीप्लाई हाफ के बी टी आ जाएगा। अब देखिए फॉर एग्जांपल आप मोनो एटॉमिक गैस की क्या निकालना चाहते हैं, टोटल इंटरनल एनर्जी निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो मोनो एटॉमिक गैस हैज़ ओनली 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मालिक्यूल, यानी मोनो एटॉमिक गैस में एक सिंगल पार्टिकल होता है, ठीक है। अब वो देखें वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी मूव कर सकता है, वो वाई एक्सिस के लॉन्ग भी मूव कर सकता है और जेड एक्सिस के लॉन्ग भी मूव कर सकता है, तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस लिहाज से सिंस इट हैज़ ओनली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में 3 टर्म्स आ जाती हैं, जो कि आपने ये पिछली स्लाइड्स में ये पढ़ा हुआ है, ये पहली इक्वेशन में, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 3 होगा, तो इस लिहाज से ठीक है इसकी इंटरनल एनर्जी क्या आ जाएगी, वही हम फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, कौन सा, एन मल्टीप्लाई डिग्री ऑफ फ्रीडम की जगह क्या आ जाएगा, 3 हाफ के बी टी, तो ये क्या आ जाएगा, 3/2 एन के बी टी। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की जगह हम मोल्स लिखते हैं, मोल्स मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर, ये आपने पढ़ा हुआ था। एन ए और के बी को हम एक ही ब्रैकेट में लिख लेते हैं इकट्ठा, और ये किसकी इक्वल है, ये आप जानते हैं, आपने पढ़ा हुआ है कि ये आर कॉन्स्टेंट की इक्वल होता है। तो टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी आपकी, 3/2 एन आर टी आ जाएगी। इसी तरह देखें हम डायटॉमिक गैस की अगर हम टोटल इंटरनल एनर्जी निकालना चाहते हैं इसी थ्योरम की मदद से,
तो डायटॉमिक गैस हैज 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल, क्योंकि आपने ये पढ़ा हुआ है कि 3 ट्रांसलेशनल है और इसमें और 2 रोटेशनल है, तो इस लिहाज से इसमें कितनी 5 टर्म्स हैं, तो इसमें कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। तो देखें हम यही फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, एन मल्टीप्लाई डिग्री ऑफ फ्रीडम मल्टीप्लाई हाफ के बी टी। तो देखें एन और डिग्री ऑफ फ्रीडम की जगह क्या आ जाएगा, 5 हाफ के बी टी, तो ये क्या आ जाएगा, 5/2 n के बी टी आ जाएगा। तो इसको हम दोबारा किस में लिख लेते हैं, मोल्स में लिख लेते हैं, जैसे कि ऊपर हमने लिखा था, तो ये क्या आ जाएगा, 5/2 n r t आ जाएगा। तो ये टोटल इंटरनल एनर्जी आ जाएगी किसके लिहाज से, इस थ्योरम के लिहाज से। अब फर्ज करें हम पोली एटॉमिक गैस का निकालना चाहते हैं, तो पोली एटॉमिक गैस है 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल, तो डायटॉमिक में 5 था, तो पोली में 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाता है, तो इस लिहाज से टोटल इंटरनल एनर्जी क्या आ जाएगी, पोली एटॉमिक, ये डायटॉमिक यहाँ पे लफ्ज़ गलत आ गया, तो इसकी करेक्शन कर लीजिएगा। द इंटरनल एनर्जी फॉर पोली एटॉमिक गैस इज गिवन बाय, तो फार्मूला वही होगा जो ये हमने पढ़ा था, एन डिग्री ऑफ फ्रीडम मल्टीप्लाई हाफ के बी टी। तो एन डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है मल्टीप्लाई हाफ के बी टी, तो ये आ जाएगा 3 n k b t आ जाएगा, और इसे मोल्स में लिखेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3 n r t आ जाएगा। तो इस तरह हम इंटरनल एनर्जी हमने कैलकुलेट कर ली है बाय यूजिंग द थ्योरम ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो ये इंटरनल एनर्जी वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसके बाद इस चैप्टर का हमारा आखिरी टॉपिक रह गया है, वो वंडरवाल्स इक्वेशन है, वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको कंप्लीट करेंगे।